जिराफ खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ये नदी के किनारे ज्यादा वक्त नहीं बिताते और फटाफट पानी पीकर निकल जाते हैं। प्यास बुझाकर ये नजदीकी पेड़ों के पास जाकर फिर से खाना शुरू कर देते हैं। इस खूबसूरत जगह पर जेब्रे और इम्पाला खूब पलते बढ़ते हैं। यहाँ इनके चरने के लिए काफी कुछ है और अगर ये दलदल के किनारों पर सवाना के मैदानों में ही टिके रहें तो बढ़ते हुए जलस्तर से भी निपट सकते हैं। नदी नालों को पार करते समय पानी इनके लिए खतरनाक हो जाता है। बबूनों और इम्पाला को अक्सर साथ साथ खाते और चरते हुए देखा गया है। इनका भोजन अलग अलग है, इसलिए दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। बबून काफी दूर तक देख सकते हैं और ये अक्सर शिकारियों पर नजर रखकर चेतावनी देने के लिए पेड़ों पर संतरी तैनात रखते हैं। दोनों प्रजातियां साथ मिलकर नजर रखती हैं। ये परस्पर फायदे वाला रिश्ता है और इससे इन्हें खतरों पर निगाह रखने के लिए ज्यादा आंख कान मिल जाते हैं। ये नाइल के मगरमच्छों के शिकार का इलाका है। इन नदी नालों को पार करने वाला कोई भी जीव पानी के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी से सुरक्षित नहीं है। अपने खास रंग और पानी की सतह के ठीक नीचे छिप सकने की क्षमता के कारण ये यहां से गुजरने वाले बेखबर जीवों को नजर नहीं आते। हिरणों में सबसे लंबे सींगों से लैस कुडू शरीर के आकार में ईलन के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये लंबा चौड़ा जीव भी मगरमच्छ से सुरक्षित नहीं है। घबराए हुए कुडू ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी की सतह के नीचे कोई खतरा है या नहीं। आखिरकार ये तेजी से धारा को पार कर लेते हैं और खतरे की आशंका से बचने के लिए उछलते हुए आगे बढ़ते हैं। शायद ये पहले भी मगरमच्छ के हमले झेल चुके हैं। कुछ कुडू दूसरों से साहसी हैं और पानी में आराम से चलते हुए जा रहे हैं। ये कुडू खुशकिस्मत है, आज या तो मगरमच्छ भूखे नहीं है या फिर उन्हें इस क्रॉसिंग का अब तक पता नहीं है। यहां परिंदों की 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसकी वजह से ये डेल्टा बोट्सवाना में जीवों की सबसे ज्यादा प्रजातियों वाला इलाका है। लंबी चोंच और उतने ही लंबे पैरों की वजह से सैडल बिल स्टॉक दलदली इलाकों में रहने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है। ये मछली, सरीसृप और मेढक समेत पानी में रहने वाले तमाम जीवों के साथ छोटे चूहों, छछुंदर वगैरह का भी शिकार कर लेते हैं। सरकंडों और ऊंची घास के बीच चलने और शिकार करने के लिए ये लंबी चोंच और टांगों का इस्तेमाल करते हैं। पानी में चलने वाले कई परिंदे डेल्टा में छिछले नदी नालों और जलकुंडों का इस्तेमाल करते हैं। इनके खाने के लिए मछलियों की कई किस्मों के साथ साथ पानी में रहने वाले ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी हैं। ओपन बिल स्टॉर्क ऐसा ही एक परिंदा है और इसमें अपने पसंदीदा शिकार यानी घोंघे पकड़ने की कमाल की महारत है। इसकी चोंच के बीचों बीच थोड़ी सी जगह होती है। इस इलाके में पानी बढ़ने पर गाद से छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। ये बहुत स्थायी नहीं होते और चरने के लिए उन पर जाने वाले जीव कभी कभार वहां फंस जाते हैं। वे पानी घटने पर ही यहां से जा सकते हैं, खासकर जब चारों तरफ मौजूद पानी में मगरमच्छ छिपे हुए हों। टापुओं पर फंसे हुए जीव वहां का सारा चारा सफाचट कर देते हैं और इससे टापू की कैद से निकलने तक उन्हें भूखा रहना पड़ सकता है। उत्तर से आने वाले तूफानों से फिर
फिर से बारिश वाले बादल घिर रहे हैं। पानी का स्तर अब भी बढ़ रहा है और तूफानों की वजह से और बारिश होने पर इसका बढ़ना जारी रहेगा। ओकवांगों के जीवों को इन बदलावों से निपटना सीखना होगा। इनके सामने कोई उपाय नहीं है। बारिश और मौसम में बदलाव पर किसी का जोर नहीं चलता। दोपहर ढल रही है और प्रमुख मादा चरने के लिए अपने झुंड को पानी के किनारे ले आई है। हाथियों का झुंड बहुत अच्छी हालत में है। ये ताकतवर और सेहतमंद है और पानी के पास खेल रहे छोटे बच्चों के अलावा इनमें से किसी को भी मगरमच्छों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाथी अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहते हैं और इनके बच्चे 2 साल तक अपनी माओं के साथ रहते हैं। प्रमुख मादा अपने अनुभव से झुंड की माओं और बच्चों को खतरों के बारे में सिखाती है। इसे पता है कि सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा और पानी की कमी होने पर जलकुंडों तक जाने के सबसे सुरक्षित रास्ते कौन से हैं। फिर माएं अपनी संतानों को सिखाती हैं और इसी तरह झुंड का ज्ञान आगे बढ़ता जाता है। हाथियों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता होता है, खासकर इसलिए कि झुंड में सभी रिश्तेदार होते हैं। झुंड में सदस्यों की संख्या 24 तक हो सकती है और इनकी सभी गतिविधियां प्रमुख मादा के इशारे पर होती हैं। प्रमुख मादा के मरने पर अगली सबसे उम्रदार हथिनी उसकी जगह ले लेगी, इसलिए इनके लिए एक दूसरे से हासिल जानकारियां बहुत अहम है। हाथी के बच्चे अपने झुंड में बिल्कुल सुरक्षित हैं और ये अपना पूरा दिन मजे से खेलने और हाथियों के तौर तरीके सीखने में बिताते हैं। इनके सभी खेल इन्हें झुंड के काम आने वाला जिम्मेदार वयस्क बनाने की दिशा में शुरुआती कदम है। नदी के किनारे पर प्रमुख मादा और अन्य माएं खास तौर पर सतर्क रहती हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद बच्चों को मगरमच्छ के हमले का खतरा रहता है, खासकर बड़े मगरमच्छ के। बच्चों के गहरे पानी में गिरने का भी खतरा रहता है। उम्रदार नर अकेले रहना पसंद करते हैं और दूर दराज के इलाकों तक आने जाने वाले रास्तों पर खाना ढूंढते हुए तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक ये मिलन के लिए तैयार नहीं हो जाते। फिर ये हथनियों का एक झुंड ढूंढकर तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक वो आगे नहीं बढ़ जाती। हथनियों के झुंड में कम उम्र के नर भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन ये किशोरावस्था तक ही यहाँ रह सकते हैं और फिर इन्हें झुंड से निकाल दिया जाता है। इनकी टीनेज वाली शरारतें झुंड के अन्य सदस्यों के बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। कम उम्र के नरों के तेवर और व्यवहार में हार्मोनों की वैसी ही अहम भूमिका होती है जैसी टीनेज लड़कों के मामले में होती है। किशोरावस्था में पहुंचते ही छोटे नर उद्यमी हो जाते हैं और इनमें लैंगिक परिपक्वता आने लगती है,
और ये अन्य बच्चों से लड़कर आम तौर पर शांत रहने वाले माहौल में हंगामा खड़ा कर देते हैं। किशोर हाथी अपने परिवारों से अलग होकर कुछ फासले पर माँ के झुंड के पीछे चलते रहते हैं। ये अक्सर दूसरे कम उम्र के नरों के साथ मिलकर बैचलर हर्ड बना लेते हैं। अपनी किशोरावस्था में इस तरह की भावनात्मक और हार्मोनल उठापटक से गुजर चुके उम्रदार नर चुपचाप पीछे खड़े रहकर पेड़ों के फल खाते हुए इंतजार कर रहे हैं। छोटे नर आखिरकार उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर इनके बड़े होने और ये सीखने की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है कि असली बड़े नरों जैसा व्यवहार कैसे करें। लगातार जारी बारिश से सूखे मौसम में आमतौर पर सूखे रहने वाले इलाके भी पानी में डूब गए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी जमा होता जा रहा है और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। क्या ये हाथियों के लिए भी समस्या साबित हो सकती है? ये बहुत बड़े जीव हैं और जरूरत पड़ने पर नदियों से भी निपट सकते हैं, लेकिन झुंड में छोटे बच्चों के होने पर पानी इनके लिए समस्या बन सकती है। फिलहाल काफी हरियाली है और यहां रहने वाले सभी जीवों के लिए काफी भोजन मौजूद है। ये बढ़ते हुए पानी के मुताबिक ढल जाएंगे और अगर इससे दिक्कत हुई तो उससे निपटना भी सीख लेंगे। पानी से भरे इस इलाके में हाथी आसानी से घूम सकते हैं और इस शानदार इलाके में इनके कई झुंड मौजूद हैं। हाथी तैरने में माहिर होते हैं। ये एक साथ अपनी चारों टांगों का इस्तेमाल करते हैं और सूंड से स्नॉर्कल का काम लेते हैं। इनका विशाल शरीर फ्लोटेशन डिवाइस की तरह काम करता है और ये काफी दूर तक तैर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि भ्रूणावस्था में भी हाथी की सूंड होती है और इन्हें लगता है कि इसका ये अर्थ है कि लाखों साल पहले हाथी पानी में रहने वाला जीव था। सूंड में 40,000 मांसपेशियां होती हैं, इंसान के पूरे शरीर से भी ज्यादा। अभी यहां पानी महज कुछ मीटर गहरा है और बड़े बच्चों और उम्रदार हाथियों के लिए इस चौड़ी नदी को पार करना बहुत आसान है। ये इतने ऊंचे हैं कि
कि अपने शरीर की महज आधी ऊंचाई तक पहुंचने वाले पानी से होकर आसानी से गुजर सकते हैं। नदी के पार जब घास ज्यादा हरी भरी हो और हाथी वहां जाने का फैसला कर ले तो शायद ही कोई ताकत इन्हें रोक सकती है। ओकवांगो डेल्टा एक अनोखा इकोसिस्टम है जिसमें कुदरत एक नाजुक संतुलन बनाए रखती है। बारिश और बहाव में बदलाव से इस इलाके पर काफी जबरदस्त असर पड़ा है, लेकिन यहाँ रहने वाले जीवों ने इस बदलती हुई दुनिया में जिंदा रहने के लिए जो अनुकूलन दिखाए हैं वो इस बात का सबूत है कि कुदरत कैसे अपनी जरूरतों के मुताबिक काम कर सकती है। बारिश के मौसम में डेल्टा के बेशुमार लगूनों में हर जगह दिखने वाली खूबसूरत लिली भर गई हैं और किनारों पर पाम के हरे भरे टापू और नदी के किनारे उगने वाले जंगल मौजूद हैं। पानी में डूबे इस अनोखे इलाके में पाए जाने वाले सरकंडे और पपायरस के पौधे इस बदलाव में खूब पल बढ़ रहे हैं और इससे इस डेल्टा में रहने वाले जीवों को बेशुमार खाना मिल रहा है। रहे हैं और इनसे छांव और चारा मिल रहा है। ओकवांगो में सरीसृपों और परिंदों की प्रजातियां सबसे ज्यादा हैं और पौधों और स्तनधारियों की प्रजातियों की संख्या दूसरे नंबर पर है और तीसरी सबसे ऊंची तादाद मछलियों की प्रजातियों की है। ओकवांगो डेल्टा के गेम रिजर्वों में दक्षिणी अफ्रीका में जीव जंतुओं की सबसे ज्यादा प्रजातियों वाले कुछ इलाके हैं और इसकी तुलना ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बेहतरीन सवाना से की जा सकती है। जिराफ हमेशा नजदीकी रिश्तों वाले झुंड में नहीं रहते और ये अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन खाने की बहुतायत होने पर ये बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। अपनी लंबी गर्दन से ये पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पनप रही नाजुक टहनियों तक भी पहुंच जाते हैं। ओकवांगो डेल्टा के जीवों के लिए रहने की ढेर सारी जगह और काफी भोजन उपलब्ध है। हालांकि यहां जिंदा रहना इनके लिए काफी कठिन है, लेकिन कुदरत ने जो बदलाव पैदा किए हैं उससे यहां जिंदगी भरपूर और अच्छी हो गई है। ये दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे खूबसूरत इकोसिस्टम में से एक में रहते हैं। पहले ये इलाका सूखा था और ये फिर से सूख जाएगा।
शायद पानी के और बढ़ने पर ये हालात बदल जाएंगे। लेकिन मौसमों की तरह ये भी मुमकिन है कि यहाँ एक और बदलाव होगा और शायद पानी फिर से कम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ रहने वाले जीव एक बार फिर हालात के मुताबिक ढलकर अपना अस्तित्व कायम रखेंगे। ओकवांगो डेल्टा में चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ मौजूद खूबसूरती हमें दिखाती रहेगी कि कुदरत कितने नए नए तरीके ढूंढ सकता है और इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के साथ हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है।